सबमत रियाज में एएस क्रिकेट एकेडमी के जरिए तमाम सालाना यूथ रमजान फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में एएस टाइटन टीम ने फाल्कन टीम को 27 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली, जबकि मैन ऑफ द मैच इब्राहिम खलील को दिया गया। टूर्नामेंट के अख्ताम पर तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए एएस क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन आसिफ शेख का कहना था कि एएस क्रिकेट एकेडमी ने हमेशा से क्रिकेट को फ्रोग और नौजवान खिलाड़ियों के टैलेंट को उजागर करके इनके साथ साथ इनको शानदार मौके फराहम करने में अपना हम किरदार अदा किया। तकसीम इनामात से आज का टूर्नामेंट जो है वो कंक्लूड हो गया और बड़े एक्साइटिंग मैच हुए हैं और बच्चों को पिछले टूर्नामेंट और इस कंपैरिजन में ये देखने को मिला है कि हमारा जो बच्चों को जिनके ऊपर हम एएस एकेडमी के थ्रू मेहनत कर रहे हैं वो काफ़ी बेहतर और ओवर द पीरियड काफ़ी इम्प्रूव कर गए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी जो है ये बच्चों को जितना हम ये एएस एकेडमी जितने ज़्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगी। पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो उनको सपोर्ट करते हैं, बच्चों को भेजते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी कि ये टूर्नामेंट जो है एक और सक्सेस हमारे लिए हुई है। बहुत शुक्रिया। मेनमात की तकरीब से शायकीन क्रिकेट का कहना था कि एएस क्रिकेट एकेडमी जिस लगन मेहनत और मोहब्बत से क्रिकेट की तैयारी कर रही है इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। तकरीब से रजा और रहमान मुनी क्रिकेट का यहाँ पे एक मेला जो लगाया है एएस एकेडमी ने जिसमें आसिफ शेख साहब हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी ये काविश है, उनकी ये मेहनत है जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट के दौर में जहाँ बच्चे कंप्यूटर और प्ले स्टेशन पर सारा दिन बैठे रहते हैं उनको एक हेल्दी मैं सबसे पहले तो आसिफ साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने एक अपनी रौनक लगाई हुई है और आसिफ शेख साहब जो बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और अमेजिंग है और ये इसकी कोई मिसाल नहीं है और सेकंड रमजान टूर्नामेंट है और इस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं बच्चे, लर्न कर रहे हैं जिस तरह वो टीच कर रहे हैं और इसका कोई नेमल बदल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आसिफ साहब इस तरह इसको कंटिन्यू रखें और बच्चे ग्रो करते रहें। थैंक यू। अहमद और दीगर ने खिताब करते हुए यूथ को क्रिकेट की तरफ रागिब करने पर आसिफ शेख की कोशिशों को सराहा। तकरीब के आखिर में खिलाड़ी और आला कारकर्दगी के हामिल अफराद को ट्रॉफियां, मेडल्स, शील्ड्स और दीगर इनामात दिए गए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं 2 साल से मैंने अपना बच्चा जो है यानी एएस एकेडमी में एडमिशन दिलाया हुआ है, बहुत खूब हुआ है, बहुत अच्छा खेल रहा है और आसिफ साहब की कोशिशों से बहुत अच्छा उसका सब कुछ कर रहा है वो मैच में खेल में, अल्लाह करे ये सब कुछ करते रहें और इसी तरह प्रमोट करते रहें आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद एदिन की मदर हूँ जो एएस एकेडमी के पार्ट है। मिस्टर आसिफ शेख जो कोच है उन्होंने एक रमजान टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था फॉर अस्कान कम्युनिटी एंड फॉर अदर प्लेयर्स ऑल्सो, तो आज 4 डेज का टूर्नामेंट था, बहुत ही ज़बरदस्त रहा, टीम्स बहुत ही अच्छे थे, द टीम्स वर फ्रॉम द एज फ्रॉम 10 to 16 years और मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा और आसिफ शेख ने बहुत ही मतलब बच्चों को इतना ट्रेन किया है, इतना अच्छा उन्होंने ट्रेन किया है कि ऐसा लग रहा था बहुत ही प्रोफेशनल नेशनल लेवल प्ले गेम थी आज। मैं अपने बेटे के बारे में कुछ कहूँगी कि जब से उन्होंने ये एकेडमी ज्वाइन की है अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बहुत 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 चेंज आया है, ही हैज़ बिकम द बेस्ट बॉलर और उन्होंने क्लीन बोल्ड ज़बरदस्त 3 विकेटें लिए, हालांकि वो काफ़ी यंग है एज में, ही जस्ट 10, लेकिन मैं आसिफ शेख को जो कोच है उनको मैं बहुत यू नो इंकरेजमेंट और इंकरेज करना चाहूँगी कि और भी आप उनको मतलब अच्छी ट्रेनिंग दें और मतलब ये जो जो उन्होंने लिया है अपने ऊपर जो जिम्मेदारी ली है बच्चों की और भी अच्छे से निभाए और अच्छे से इनको इंकरेज कर